वेलकम टू माय स्टडी चैनल फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है लेजर अकाउंट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई रिपीट द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हेयर ऑप्शन ए इज जनरल जर्नल, बी इज कैश बुक, सी इज जनरल लेजर एंड डी इज बिजनेस बुक। फ्रेंड्स, हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जनरल लेजर। जनरल लेजर इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, प्लीज रिवाइज दिस प्रॉपरली। जनरल लेजर इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज। हेयर ऑप्शन ए इज ट्रांसफरिंग, बी इज पोस्टिंग, सी इज बैलेंसिंग एंड डी इज जर्नलाइजिंग। हेयर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज पोस्टिंग। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेबिट बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ डेबिट बैलेंस। हेयर ऑप्शन ए इज एसेट, B is expense, C is loss. Here answer is all of the above. Asset, expense and loss accounts is expected to have a debit balance. ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों के तीनों जो है accounts expected to have a debit balance. So next question is, collection are group of all accounts of business enterprise. Collection or group of all accounts of business enterprise is known as. Once again, collection or group of all accounts of business enterprise is known as. Here option A is ledger, B is balance sheet, C is trial balance and D is journal. Friends, here option A is the right answer, that is ledger. Collection or group of all accounts of business enterprise is known as ledger. Option A is the right answer. Next question is, an account having a credit balance. An account having a credit balance in general ledger will be classified as. Here option A is a liability account, B is an expense account, C is an asset account and D is an expense account. Friends, here option A is the right answer, that is a liability account. An account having a credit balance in general ledger. ऐसा account जिसका जो credit balance ledger general ledger में हो will be classified as a liability account. So option A is the right answer. Next question is, the process of finding out the balance of a ledger account is known as. The process of finding out the balance of a ledger account is known as. Here option A is posting, B is calculation, C is investigation and D is balancing. Here option D is the right answer, that is balancing. Balancing jo hai iska sahi answer hai. The process of finding out the balance of a ledger account is known as balancing. Option D is the right answer. Theek hai. Next question is, the left hand side of a ledger account is known as. The left hand side of a ledger account is known as. Here option A is credit side, B is debit side, C is profit side and D is income side. Friends, here
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज डेबिट साइड. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज नोन एज. डेबिट और क्रेडिट का जो है दोनों का टोटल, ठीक है, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड दोनों का जो टोटल है ऑफ अ लेजर अकाउंट इज नोन एज, हेयर आंसर इज बैलेंस, दैट इज ऑप्शन सी. बाकी वाले जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए इज डेफिसिट, बी इज डेबिट बैलेंस, सी इज बैलेंस एंड डी इज क्रेडिट बैलेंस. फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बैलेंस. द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, देखो जो डेबिट साइड का टोटल है और जो क्रेडिट साइड का टोटल है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस है दोनों का, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है ऑफ ए लेजर अकाउंट इज नोन एज बैलेंस, उसे हम बोलते हैं बैलेंस. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज नोन एज, डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ऑफ ए लेजर अकाउंट, इसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं उसको हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द लेजर अकाउंट इज सेट टू हैव डेबिट बैलेंस. इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, द लेजर अकाउंट इज सेट टू हैव अ डेबिट बैलेंस. देखो अगर जो है डेबिट जो है उसका अमाउंट ज्यादा है किससे, क्रेडिट से, तो उसको हम जो क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस. ठीक है, अगर क्रेडिट कम है, क्रेडिट जो है वो ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट जो है वो कम है, तो उसे हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस. ठीक है, उधार रहेगा उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अकाउंटिंग द एब्रीविएशन डी आर इज यूज फॉर, इन अकाउंटिंग द एब्रीविएशन डी आर इज यूज फॉर. फ्रेंड्स एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी बैंक की पासबुक होती है उसके लास्ट वाले पन्ने में सारी की सारी एब्रीविएशन जो है वो लिखी होती है. आपको उन जो बैंक की पासबुक है उनकी जो एब्रीविएशन है उनको भी आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा. वैसे वो इजी होती है बट कई बार क्या होता है, कोई कुछ एक ऐसी एब्रीविएशन होती है कि हमें पता नहीं होता, सो आप उनको भी एक बार रिवाइज कर लेना. हो सकता है कि उसी एब्रीविएशन में से कोई क्वेश्चन बन जाए ये आपके एग्जाम में. सो इन अकाउंटिंग द एब्रीविएशन डी आर इज यूज फॉर, हेयर ऑप्शन ए इज डेप्टर, बी इज डिबेट, सी इज डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट एंड डी इज डिफॉल्टर. फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट. डी आर को इस्तेमाल किस लिए करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग में, डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट. ठीक है, ये याद रखना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इफ एन अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स आंसर इज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड. अगर किसी के खाते में क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेबिट जो है उसका वो कम है और क्रेडिट कितना है वो ज्यादा है. ठीक है, इसीलिए जो है उसके खाते में जो है वो क्रेडिट बैलेंस है. सो फ्रेंड्स हेयर आंसर इज टोटल टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. नेक्स्ट साइड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट इज यूजुअली एब्रीविएटेड एज, इन अकाउंटिंग. देखो आपने देखा होगा सी आर भी लिखा होता है उसमें, तो ये भी जो है बोल रहा है कि इन अकाउंटिंग द टर्म क्रेडिट, जो क्रेडिट जो है उसको कैसे एब्रिवेट किया गया है अकाउंटिंग में. हेयर ऑप्शन ए इज डी आर, बी इज सी टी, सी इज सी डी एंड डी इज सी आर. हेयर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सी
सी आर, सी आर से बनता है अकाउंटिंग में क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। हियर ऑप्शन ए इज एसेट्स, लाइबिलिटीज कैपिटल, बी इज रेवेन्यूज लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, सी इज रेवेन्यूज लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस। हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज रेवेन्यूज लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। टाइप ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट, द अकाउंट इज सेड टू हैव जीरो बैलेंस। आंसर इज जीरो बैलेंस। फ्रेंड्स देखो ये इसने बोला है कि अगर मान लो जो आपका डेबिट साइड है वो बराबर है किसके, क्रेडिट साइड के, तो लेजर अकाउंट में अगर जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो बराबर हैं तो अकाउंट इज सेट टू हैव क्या बैलेंस रहा उसमें, फिर जीरो रह गया। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जीरो बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट्स, ए नॉन जीरो बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट रिप्रेजेंट्स। हियर ऑप्शन ए इज इंक्रीज और डिक्रीज इन अकाउंट, बी इज डिक्रीज इन अकाउंट एंड सी इज इंक्रीज इन अकाउंट। फ्रेंड्स हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज इंक्रीज आर डिक्रीज इन अकाउंट। अगर किसी के खाते में नॉन जीरो है या तो उसके खाते में जो है क्या होगा, डेबिट होगा या फिर उसके खाते में क्रेडिट बैलेंस होगा। सो हेयर आंसर इज इंक्रीज आर डिक्रीज इन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। हियर ऑप्शन ए इज ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जो है क्या लिखा है इसने, जिसकी तरफ जो है क्या होता है पेट जो है उसका खुला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका बड़ा। ट्रांजैक्शंस एना लाइसिस बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन जर्नल एंट्री, ग्रेटर देन लेजर अकाउंट। ट्रांजैक्शन एनालिसिस ग्रेटर देन जर्नल एंट्री, ग्रेटर देन लेजर अकाउंट। सो दिस इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स टुडे वी हैव कंप्लीटेड यू नो 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल लेटेस्ट वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्रिपेयर बेल परफॉर्म बेल। फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैश बुक। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।